हेलो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल जीके जीएसएस को और एक घंटा वाला बटन दबाइए जिससे हमारी हर वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको अपने इस वीडियो में यूजीसी नेट परीक्षा जून 2012 राजनीति विज्ञान द्वितीय प्रश्न पत्र के बारे में बताएंगे जो यूजीसी नेट एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो आइए हम शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। आप हमारे इस वीडियो को लास्ट तक देखें। पहला प्रश्न है, कौन सी पुस्तक कार्ल मार्क्स ने नहीं लिखी है? तो साइंस ऑफ लॉजिक, विकल्प डी, कार्ल मार्क्स के द्वारा नहीं लिखी गई। बाकी तीनों पुस्तकें कार्ल मार्क्स के द्वारा लिखी गई हैं, जर्मन आइडियोलॉजी, क्रिटिक ऑफ द गोथा प्रोग्राम, पेरिस मैनुस्क्रिप्ट्स। आगे नंबर दो प्रश्न है, व्यक्ति अपने ऊपर, अपने देह और दिमाग पर संप्रभु है, या किसने कहा है? तो इसको जेएस मिल ने कहा है, विकल्प ए इसमें आपका सही है। आगे तीसरा प्रश्न है, रजनी कोठारे की पॉलिटिक्स इन इंडिया नामक पुस्तक किस पद्धति के आधार पर लिखी गई है? तो संरचनात्मक प्रकार्यवाद के आधार पर लिखी गई है, विकल्प ए इसमें सही है। उसके बाद है चार नंबर प्रश्न, अरस्तु की उपेक्षा करने वाला पहला आधुनिक राजनीतिक विचारक कौन था? तो पहला आधुनिक राजनीतिक विचारक हॉब्स था, विकल्प सी सही है। फिर उसके बाद आपको सुमेलित करना है पांचवें प्रश्न में, सर्वहारा या श्रमिक वर्ग की तानाशाही मार्क्स से संबंधित है, कम्युनिस्ट पार्टी लेनिन से संबंधित है, हेजमिनी ग्रामस्की से संबंधित है और बहुकेंद्रीयता टोगलियाटी से संबंधित है। इसमें आपका विकल्प जो है वो ए सही होगा। इसको आप जो इसमें दिया गया है सूची, इसको आप दोनों को कहीं पर भी जिसकी जो जिससे संबंधित है उसको एक नोट्स बनाते चलिएगा, जिससे आपके लिए एग्ज़ाम में जो है एग्ज़ाम के टाइम में आप उसको देख सकें, रिवीजन कर सकें, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप लोग इसको ज़रूर कीजिएगा। छठा प्रश्न है, इसमें आपको सुमेलित करना है, 20वीं शताब्दी जैकोबिनिज्म ये संबंधित है एम एन रॉय से, स्वैच्छिक निर्धनता गांधी जी से संबंधित है, मैंने हिंदू के रूप में जन्म लिया परंतु उस रूप में मरूंगा नहीं अंबेडकर से संबंधित है, और विकास का एक एक सिद्धांत जो है वो अरविंद से संबंधित है। इसमें आपका विकल्प जो है वो बी सही है। उसके बाद है, गांधी जी ने अपनी व्याख्या की है तो दार्शनिक अराजकतावादी के रूप में की है, विकल्प डी इसमें आपका सही है। फिर आठ नंबर प्रश्न है, परस्पर व्यापी मैथक के सिद्धांत की वकालत किसने की? तो उसको रॉल्स ने की थी, परस्पर व्यापी मैथक के सिद्धांत की वकालत रॉल्स ने की थी, जॉन रॉल्स। फिर नौ नंबर प्रश्न, निम्नांकित में से किसने सामान्य व्यवस्था सिद्धांत अवधारणा के सर्वप्रथम विकसित किया? तो लुडविग वान बर्टालानफी ने इसको विकसित किया था, सामान्य व्यवस्था सिद्धांत की अवधारणा को, विकल्प ए इसमें सही है। दस नंबर प्रश्न, संरचनात्मक प्रकार्यवाद को पद्धति के रूप में किसकी राजनीति का अध्ययन करने के लिए विकसित किया गया? तो विकासशील देशों की राजनीति के लिए विकसित किया गया था, विकल्प डी इसमें आपका सही है। ग्यारह नंबर प्रश्न है, सी राइट मिल्स की पुस्तक द पावर एलीट किसकी समकालीन राजनीति का अध्ययन है? तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की राजनीति का अध्ययन है, विकल्प बी आपका इसमें सही है। आगे आपका 12 नंबर प्रश्न है, निम्नांकित में से किसने इंग्लैंड के अपने अध्ययन के आधार पर राजनीतिक विकास में संकट की पहचान की? तो इसमें लुसियन डब्ल्यू पाई ने की थी, विकल्प बी जो है इसमें आपका सही है। उसके बाद 13 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही रूप से सुमेलित नहीं किया गया है? तो 13 नंबर प्रश्न में पेरेटो सही रूप से सुमेलित नहीं है, द रूलिंग क्लास, बाकी सब सही रूप से सुमेलित हैं। 14 नंबर प्रश्न है, अधिकारीगण एक दूसरे के लिए कार्य का सृजन करते हैं, यह नियम निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया था? एन पार्किंसन ने या इस नियम को प्रतिपादित किया था। 15 नंबर प्रश्न को आपको बताना है, कौन सा युग्म सही नहीं सुमेलित किया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया सरकार के एकात्मक रूप जो है सही सुमेलित नहीं किया गया है, बाकी सभी सही सुमेलित हैं। 16 नंबर है, मिचेल्स का अल्पतंत्र का लौह नियम किसके अध्ययन के आधार पर सृजित किया गया था? तो जर्मन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के आधार पर ये सृजित किया गया था। 17 नंबर प्रश्न है, मॉन्टेस्क्यू की सत्ता की पृथकता का सिद्धांत मुख्य रूप से किस पर बल देता है? तो स्वतंत्रता पर बल देता है, विकल्प डी सही है। फिर आपको कथन और कारण दिए जाएंगे, उसको बताना है आपका कौन सा इसमें सही है। तो कथन है, पहला, सूचना प्रौद्योगिकी ने स्टाफ एजेंसी को अपरिहार्य बना दिया।
कारण है स्टाफ एजेंसी लाइन एजेंसी को निर्णय लेने में सहायता करती है, तो इसमें आपका विकल्प भी जो है वो सही होगा, क्योंकि ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर जो है ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। आगे वो नेक्स्ट नंबर प्रश्न है, आतंकवाद पर युद्ध की घोषणा करते हुए अमेरिका ने बलपूर्वक कहा कि जो राज्य अमेरिका का साथ नहीं है वो इसके विरोध में हैं। कारण आतंकवाद पर युद्ध की स्थिति में अमेरिका ने राज्यों को तटस्थ रहने की स्वतंत्रता नहीं दी, तो इसमें विकल्प ए सही है, ए और आर दोनों सही हैं, आर जो है ए का सही स्पष्टीकरण है। 20 नंबर प्रश्न है, अम्बेडकर दबे वर्ग को अलग निर्वाचक मानने के पक्षधर थे, सही है, वे गांधी से सहमत थे, वे गांधी से सहमत नहीं थे, इसलिए इसमें विकल्प सी सही है, क्योंकि ए सही है और आर गलत है। 21 नंबर है, राष्ट्रपति शासन केवल संयुक्त राज्य अमेरिका में सफल है, संयुक्त राज्य अमेरिका एकमात्र राज्य जहां लघु विरोधाभास राष्ट्रपति व्यवस्था की सफलता को सुनिश्चित करती है, तो इसमें जो है आपका बी विकल्प सही है, क्योंकि ए और आर दोनों ही सही हैं। 22 नंबर प्रश्न है, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के साथ निम्नलिखित में से कौन संबंधित नहीं है, तो अरविंद घोष इससे संबंधित नहीं है, बाकी चंद्रशेखर आजाद, जोगेश चंद्र चटर्जी और भगत सिंह संबंधित है इससे। 23 नंबर प्रश्न है, इंडियन नेशनल कांग्रेस को संविधान किसने दिया और उसे जनसमूह एवं संवर्ग दल बनाया, गांधी जी ने, विकल्प डी में सही है। आगे है, अंतर राज्य परिषद की नियुक्ति कौन करता है, तो भारत का राष्ट्रपति करता है, विकल्प ए सही है। 25 नंबर, वो राज्य बताइए जिनकी राज्य की विधानसभाएं राज्य की राजधानी को छोड़कर अन्य स्थान पर भी बैठक करती हैं, जम्मू कश्मीर एवं महाराष्ट्र, विकल्प डी सही है। 26 नंबर है, भारतीय संविधान का कौन सा संशोधन मंत्रियों की संख्या सीमित करता है, तो डी 91वां संशोधन सीमित करता है। 27 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी समिति भारत में पंचायती राज से संबंधित नहीं है, तो दिनेश गोस्वामी समिति जो है पंचायती राज समिति नहीं है, बाकी शादी कलेश समिति, ALM सिंघवी समिति और PK थुंगन समिति पंचायती राज से संबंधित है। 28 नंबर प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित तो प्रधानमंत्रियों के नियुक्त होने का सही अनुक्रम बताइए, तो सबसे पहले नियुक्त हुए थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, उसके बाद मोरारजी देसाई, फिर चौधरी चरण सिंह, फिर देवीलाल, तो इसमें आपका विकल्प जो है वो डी सही है। आगे है, भारत की संविधान सभा के अंदर निम्नांकित में से कौन अल्पतंत्र समूह था, तो नेहरू, पटेल, प्रसाद और आज़ाद, ए अल्पतंत्र समूह था, विकल्प ए आपका इसमें सही है। 30 नंबर प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था को बैलगाड़ी पूंजीवाद के रूप में किसने परिभाषित किया था, तो लॉयड एवं सुजन रुडोल्फ ने परिभाषित किया था, विकल्प डी सही है। 31 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय राज्य एवं स्थानीय सरकार की कार्यकारी शाखाओं की गतिविधियों के रूप में लोक प्रशासन की व्याख्या किसने की, तो इसमें जो कहा गया है हर्बर्ट ए साइमन ने इसकी व्याख्या की थी, विकल्प सी सही है। आगे बताना है कि लोक लेखा समिति के सदस्य निम्नांकित में कितने होते हैं, तो इसमें 15 लोकसभा में होते हैं और 7 जो है राज्यसभा में, टोटल 22 सदस्य होते हैं लोक लेखा समिति में, विकल्प 20 में आपका सही है। 33 नंबर प्रश्न है, नियंत्रण के क्षेत्र को निम्नलिखित नाम से भी जाना जाता है, मिलिट्री टाइप ऑफ फोरमैन के नाम से भी जाना जाता है, विकल्प सी सही है। 34 नंबर प्रश्न है, नौकरशाही शब्द का सर्वप्रथम किसने रचना की, तो इसकी रचना जो है विसेंट द गुर्ने ने की थी। आगे 35 नंबर प्रश्न है, स्टाफ एजेंसी का सही कार्य निम्नलिखित में से कौन सा है, इसमें आपका मुख्य कार्यपालक को परामर्श देना है, विकल्प सी सही है, स्टाफ एजेंसी का सही कार्य यही है। फिर उसके बाद समाजों के बारे में रिक्स के परिप्रेक्ष्य के संबंध में विवर्तनीय समाजों में आरोप मूल्य पाए जाते हैं, विकल्प सी सही है। उसके बाद है, संचार के अनौपचारिक चैनल को निम्नलिखित नाम से भी जाना जाता है, तो ग्रेप वाइन के नाम से भी इसको जाना जाता है, विकल्प बी इसमें सही है। 38 है, विचारकों को अवधारणाओं के साथ सुमेलित करना है, विचारक और अवधारणा, तो W टेलर जो हैं, प्रोत्साहन प्रणाली, चेस्टर बर्नार्ड, स्वीकृति का क्षेत्र, हेनरी फ्योल, श्रेणी, स्केलर और फ्रेडरिक हजबर्ग जो हैं असंतोषकारी, तो इसमें आपका विकल्प जो है वो डी सही है। आप इसको जो विचार और अवधारणाएं हैं इसको भी लिख लीजिएगा जो इम्पोर्टेंट है। किसने कहा कि बजट
कीमत की नत्थियों के साथ लक्ष्यों का क्रम है? तो विल्डावास्की ने इसको कहा था, विकल्प ए इसमें सही है आपका। 40 नंबर है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद की अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना की शक्ति प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 312 है, विकल्प बी आपका सही है। 41 नंबर है, निम्नलिखित में से क्या ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन के परिणाम स्वरूप हुआ? तो है आपका विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना से संबंधित है, विकल्प डी सही है इसमें। 42 नंबर प्रश्न है, हंस जे मोरगंथा के यथार्थवाद का मूलभूत सिद्धांत निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? तो विकल्प डी जो है, राजनीति सार्वभौमिक नैतिक मूल्यों द्वारा शासित होती है, तो विकल्प डी इसमें सही है। आगे है, मार्शल योजना किसके लिए थी? मार्शल योजना पश्चिमी यूरोपियन अर्थव्यवस्था को पुनर्निर्मित करने के लिए थी। 44 नंबर प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के रूप में रूस की स्थायी सदस्यता उसकी किस योग्यता के आधार पर दी गई? तो पूर्व सोवियत यूनियन का उत्तराधिकारी राज्य, विकल्प बीस में सही है। 45 नंबर में है, कैनेथ वाल्ज के नव यथार्थवाद का मुख्य तर्क यह है कि संरचनाएँ कर्ता की अपेक्षा ज़्यादा महत्वपूर्ण होती हैं, ये सही है विकल्प इसमें। 46 नंबर है, अपने पड़ोसी देशों के प्रति भारत की नीति का अपारस्परिकता सिद्धांत किस बात का विचार करता है? तो पड़ोसी देशों के साथ पारस्परिकता के बिना संबंधों को सुधारने का प्रयत्न, इसमें जो है विकल्प बी आपका सही है। आगे आपको इसमें 47 नंबर प्रश्न में दिया गया है कि सही कालानुक्रम आपको घटनाओं का बताना है। तो भारत रूस मैत्री संधि जो है 1972 में हुई थी, उसके बाद पोखरण का भारत प्रथम आणविक विस्फोट 1974, क्यूबा संबंधी मिसाइल संकट 1962, भारत के संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रम को अपनाना, तो इसमें जो है आपको विकल्प बी सही होगा, 3, 1, 2, 4 विकल्प बी इसमें आपका सही होगा। 48 नंबर है, विश्व व्यापार संगठन पैरवी करता है कि मुक्त व्यापार सबके लिए समृद्धता लाता है, इसलिए इसे बढ़ावा दिया जाना चाहिए, विकल्प इसमें कारण आर है। व्यापार की प्रणाली के जरिए देशों का वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण उन्हें वस्तुओं को बाहर निर्यात करने तथा अपनी ज़रूरत की वस्तुओं को आयात करने में सहायता करता है, विकल्प ए इसमें सही है, क्योंकि ये आर दोनों सही है, आर जो है ए का सही स्पष्टीकरण है। 49 नंबर है, सन 2007 में नई दिल्ली में आयोजित 14वें सार्क शिखर सम्मेलन किस पर जोर दिया गया? तो जोर दिया गया था अंतर क्षेत्रीय संयोजन सुधारना, विकल्प ए सही है। उसके बाद है 50 नंबर प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र की सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर आधारित है? सभी के लिए एक, सभी के लिए, विकल्प इसमें ए सही है। तो फ्रेंड्स, हमारे इस वीडियो में बस इतना ही। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे आने वाली हर वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए, और हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख पाएँ। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।